टू मेक मैथ इजी सब्सक्राइब माय चैनल टेक्निकल मैथ्स बाय प्रदीप सोनी एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट मैथ वीडियो विद शॉर्ट ट्रिक्स। बिल्कुल इजी मेथड से ये क्वेश्चन करते हैं। टॉपिक का नाम है इक्वेशंस यूनिट फर्स्ट एक्सरसाइज ई। देखिए आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है मंथली इनकम्स ऑफ टू पर्सन्स आर इन द रेशो 4:5 एंड देयर मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशो 7:9 इफ ईच सेव्स 50 रुपीज पर मंथ फाइंड देयर मंथली इनकम्स। बिल्कुल इजी मेथड, आपको कंसेप्ट भी मैं समझा दूंगा और इजी मेथड भी। सबसे पहले हम देखते हैं ये कह रहा है मंथली इनकम, मंथली इनकम और उसका रेशो दे रखा आपको 4:5 और पूछ क्या रहा है ऑफ देयर मंथली इनकम। मंथली इनकम का रेशो आपको दे रखा है और मंथली इनकम ही आपको फाइंड करनी है। ओके, अब देखिए इसका मतलब हमें फॉलो करना है मंथली इनकम ऑफ टू पर्सन्स का जो रेशो है वो 4:5 जो है होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 4:5 आपको मंथली इनकम दे रखे, इसका रेशो जब हम निकालते हैं तो इसका रेशो आता है 5:4, ठीक है, इसका रेशो आता है 4:5, ओके, इसका रेशो आता है 1:2। आप जानते हो रेशो में 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 20 से 20 कैंसिल, इधर भी 20 से 20 कैंसिल और 3 से भी कैंसिल, 3 और 3 2 6 और यहाँ पर जो है ये 50 से कैंसिल होता है 7:11। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मंथली इनकम का जो रेशो है वो 4:5 होना चाहिए और 4:5 जो है हमारा इससे मैच कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी होगा। आप इजीली इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं, कितना इजी मेथड है कि हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज यदि समझ में आ जाती है तो हम आंसर तक पहुंच जाते हैं 4:5। ओके, तो मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें मान लो एक ऑप्शन के बजाय एक ऑप्शन में और यदि 4:5 आता तो इस आंसर को हम और अच्छे से चेक कर लेते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। ये मेथड है बिल्कुल सही कॉम्पिटिशन एग्जाम में करने का, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सेकंड मेथड भी बता देता हूँ। मान लो दो ऐसे ऑप्शन दे दे आपको जिनमें रेशो 4:5 है, तो देखो इनकम जो आई अकॉर्डिंग टू रेशो वो आई आपके पास 400 एंड 500 और ये कह रहा है कि जो है ये मंथली ईच सेल्स 50 रुपीज, इसका मतलब 50 रुपीज बचाते हैं इनकम में से, तो इसका मतलब एक्सपेंसेस जो हो जाएंगे 50 कम हो जाएंगे, ठीक है ना, -50 हम कर देते हैं तो ये आ जाता है 350, इसमें से भी -50 कर देते हैं बिकॉज ये दो जो दोनों है वो 50 रुपीज जो है वो सेव करते हैं, तो ये आ जाता है 450 रुपीज। इनका जो रेशो है ये आपके आ जाएंगे एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अब इसका जो रेशो हम निकालते हैं, देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 7 35 और 5 9 45, तो एक्सपेंसेस का जो रेशो आया वो आया 4:7:9 और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सपेंसेस का रेशो भी कितना होना चाहिए 7:9। इसका मतलब ऑप्शन बी अगेन जो है बिल्कुल सही आंसर है। ये मैंने आपको सेकेंड मैथड बताया और ये मैंने आपको फर्स्ट मैथड बताया है। ओके, दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। और आप चाहते हो नहीं हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो लीजिए थर्ड मेथड। ओके, कंसेप्ट को समझने के लिए हम जो है इनकम का जो रेशो है वो 4:5 है तो इसको हम 4x एंड 5x मान लेते हैं और एक्सपेंसेस का जो रेशो आपको दे रखा है वो दे रखा है 7:9 तो ये जो 7y एंड 9y मान लेते हैं। देखो यहाँ पर इसको एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया x से तो ये 4x 5x हो जाएगा, ये 7y और 9y हो जाएगा। आप जानते हो जब कोई भी सेविंग प्राइस है या सेविंग जो भी होगा वो होगा इनकम में से, हम एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं और जो है ईच सेव्स 50 रुपीज़, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x इसकी इनकम में से फर्स्ट का एक्सपेंसेस हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 50 आएगा। इक्वेशन फर्स्ट अगेन ये आ जाएगा 5x-9y, ये भी कितना आ जाएगा 50। ये हमारे इक्वेशंस बनते हैं, इनको सॉल्व करने के बाद हम इजीली x एंड y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमें चाहिए इनकम, इसका मतलब अगर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम इनकम सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं इसको हम इससे y की वैल्यू निकालते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू इसमें रख सकते हैं या इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका एक और मेथड है, देखो इसका इजी मेथड बताए तुम
मतलब माइनस फिफ्टी इक्वल जीरो हो जाएगा, तो भी हम इजी कर सकते हैं, ये माइनस फिफ्टी हो जाएगा, इधर आ जाएगा जीरो, इधर आ जाएगा जीरो, एक मेथड ये भी है, माइनस फिफ्टी ये आ जाएगा जीरो, ये एक्स अपॉन माइनस वाई अपॉन एंड वन अपॉन, एक्स के नीचे की वैल्यू के लिए एक्स को हम हटा देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा सेवन को माइनस फिफ्टी से, माइनस सेवन को माइनस फिफ्टी से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये थ्री फिफ्टी आ जाएगा, और ये नौ पंजे पैंतालीस माइनस चार सौ पचास। और अब वाई के नीचे की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वाई को छुपा लेते हैं, ये आ जाता है माइनस टू हंड्रेड, माइनस टू हंड्रेड, और ये आ जाता है आपके पास, ये माइनस ये होता है, फाइव को फिफ्टी से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे तो टू फिफ्टी आ जाएगा, और ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ये नौ चौक छत्तीस माइनस छत्तीस, और ये प्लस का पैंतीस। तो इस तरह से एक्स की वैल्यू तो आई कितनी आती है माइनस हंड्रेड, एंड वाई के नीचे आता है फिफ्टी, और इक्वल आ जाएगा माइनस वन। तो एक्स की वैल्यू तो अब एक्स अपॉन माइनस हंड्रेड को माइनस एक के इक्वल रख लेते हैं, वाई अपॉन माइनस फिफ्टी को माइनस एक के इक्वल रख लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू आ जाती है हंड्रेड एंड वाई की वैल्यू आ जाती है फिफ्टी। ओके, इससे हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक्स की वैल्यू जब मैं हंड्रेड रखता हूँ तो ये हो जाता है फोर हंड्रेड, और ये हो जाता है फाइव हंड्रेड, और यही हमारे क्वेश्चन के क्या है आंसर है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बाकी फर्स्ट मेथड से आप इजीली क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको मैं नाइन से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको मैं सेवन से मल्टीप्लाई करूँगा, जिससे वाई की वैल्यू सेम हो जाएगी और ये कैंसिल हो जाएगी, तो ईजिली आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए कई मेथड है एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन का कंसेप्ट अच्छे से तैयार हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल वे में हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब समझते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज को आप समझ लो तो आपको क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे। तो इस इजी मेथड के लिए समझते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू वन बाई टू, विच इज इक्वल टू वन बाई टू व्हेन व्हेन बोथ इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय टू। तो चलो फर्स्ट कंडीशन को समझते हैं। हमने पहला फ्रैक्शन ले लिया थ्री अपॉन एट, और इसको मैं दोनों को मैं दो से बढ़ा देता हूँ, तो यह आ जाता है फाइव अपॉन टेन, और फाइव अपॉन टेन को हम लिख सकते हैं वन बाई टू। ओ, ऑप्शन फर्स्ट मैच कर गया, ठीक है। चलो सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं, फाइव अपॉन एट है, थर्ड ऑप्शन टू अपॉन एट है, एंड फोर्थ ऑप्शन टू बाई थ्री है। जब मैं इसको टू से प्लस करता हूँ तो यह आ जाता है सेवन अपॉन टेन, ये मैच नहीं कर रहा है क्वेश्चन से। अब इसमें मैं टू और टू प्लस कर रहा हूँ तो यह जगह फोर अपॉन टेन, ये भी मैच नहीं कर रहा है, बिकॉज फोर अपॉन टेन को हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने रख सकते हैं टू अपॉन फाइव, हमें चाहिए था वन बाई टू। और इसमें भी मैं प्लस टू और प्लस टू कर रहा हूँ तो यह आ जाएगा फोर बाई फाइव, इसलिए ये भी मैच नहीं कर रहा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, और ये इसका शॉर्टेस्ट मेथड है जो मैंने आपको बता दिया, आंसर मिल गया। जब हमारा एक आंसर मैच कर जाए, बाकी आंसर मैच नहीं करे किसी भी एक ऑप्शन को, तो हम आंसर तक पहुंच जाते हैं। आगे इसको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहें कि इसको आगे तक सॉल्व करें तो आगे करें। इट इज़ इक्वल टू थ्री बाई फोर व्हेन बोथ्स आर इंक्रीज बाई ट्वेल्व। एक काम करते हैं, थ्री अपॉन एट को ही चेक कर लेते हैं, इसमें मैं ट्वेल्व जो है प्लस कर देता हूँ तो ये आ जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिफ्टीन अपॉन 20, और 15 अपॉन 20 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, देन 3 रेस ऑफ 4, इसका मतलब ये लिख सकते हैं 3 अपॉन 4, ये हमारा सेकंड कंडीशन भी जो है ऑप्शन फर्स्ट से मैच हो रही है, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपको यदि अच्छे से समझा गया तो आप काफ़ी क्वेश्चन कर पाओगे। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, और इसका कंसेप्ट यदि आप समझना चाहो तो हम इसका छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं। लेट द फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, नोमिनेटर और डेनोमिनेटर दोनों को मैं दो से बढ़ा देता हूँ, देन फ्रैक्शन विल बी वन बाई टू, ये फर्स्ट इक्वेशन रहती है। अगेन सेकंड कंडीशन, इनको मैं 12 से बढ़ा देता हूँ, एक्स प्लस 12 अपॉन वाई प्लस 12, तो ये हो जाता 3 अपॉन 4, ये इक्वेशन सेकंड अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इजीली सॉल्व करके हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं,
ओके, लेकिन ये मेथड लेंदी है, बट मैंने इक्वेशन बनानी आपको बता दी है। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। एज से रिलेटेड क्वेश्चन स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं, जिनका मैथ थोड़ा सा वीक होता है, लेकिन अभी इस मेथड को जो मैं बता रहा हूँ आप फॉलो करो, देखते हैं आप कितनी जल्दी आंसर तक पहुँचते हैं। ये कह रहा था एज ऑफ ए पर्सन इज ट्वाइस, एज ऑफ ए पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू सन्स, एज ऑफ सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू सन्स, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑप्शन को लेते हैं, मान लो उसकी प्रेजेंट एज जो है फादर की प्रेजेंट एज 60 है, देन उसके जो टू सन्स जो है उनकी जो एज हो जाएगी 30 हो जाएगी, क्योंकि ये कह रहा है कि एज ऑफ पर्सन्स इज ट्वाइस, ट्वाइस है, उसके जो दोनों सन है उनकी एज के सम का ट्वाइस है, तो उन दोनों सन्स जो है उनकी एज का सम हम मान लेते हैं 30, तो ये हो जाएगा 60, ओके। अभी कह रहे हैं फाइव ईयर एगो, पांच साल पहले, फाइव ईयर एगो, अब ये पॉइंट समझने का है, देखो पांच साल पहले ये अकेला है, इसलिए इसमें से केवल पांच कम हो जाएगा, तो पांच साल पहले इसकी एज हो जाएगी 55, मतलब कितनी थी 55, और इसमें से 10 कम होगा, क्योंकि क्योंकि ये जो 30 है ये दो सन के एज का सम है, तो इसका मतलब एक पांच साल कम होगा तो दूसरा भी कितना साल कम होगा, पांच साल कम होगा, तो इसके सम में कितने की कमी हो जाएगी, 10 की कमी हो जाएगी, देन ये आ जाएगा 20, और ये इसका थ्राइस होना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन को मैच नहीं कर रहा है, हमारे ये क्वेश्चन नहीं होगा। अब देखते हैं फादर और टू सन्स, इसको चेक करते हैं हम, ठीक है, फादर की 52 है तो ये आ जाएगा 26, 26 का ट्वाइस जो हो जाएगा 52 हो जाएगा, 5 ईयर रहेगा ये 5 साल कम हो जाएगा, ये आ जाएगा 47, और ये आ जाएगा 10 कम, बिकॉज यहाँ पर टू सन्स की एज हम कम करेंगे, 5 एंड 5 टोटल 10 कम हो जाएगा। अब 16 का थ्राइस ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी जो है ये ऑड नंबर है, इसको हम चेक बाद में करेंगे, पहले इसको चेक कर लेते हैं। ये कह रहा है कि फादर यदि 50 ईयर का है, क्योंकि फाइंड इट्स प्रेजेंट एज, फादर की 50 एज हम मान लेते हैं, देन उसके जो दोनों बेटे हैं उनकी एज हो जाएगी 25, अब ये 5 साल पहले ये तो हो जाएगा 45, और ये 5 एंड माइनस 5, तो इसको हम माइनस 10 कम कर देंगे, ये लॉजिक है यहाँ पर, क्योंकि दो सन के एक साथ एज देखिए, इसलिए इसके कम हो जाएंगे 10, ये मैं बता चुका हूँ 15 रहेगा। अब 15 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 45 आ जाता है, क्योंकि ये कह रहा है 5 ईयर एगो हिज एज वाज थ्राइस ऑफ फ्रॉम द सन्स सम ऑफ देयर एज, मतलब 5 ईयर एगो हिज एज वाज थ्राइस द सम ऑफ देयर एजेस, ठीक है, इसका मतलब उसके सन्स की जो 5 साल पहले एज थी 15, उसका थ्राइस जो है 45, फादर की जो है 5 साल पहले एज थी, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल बिल्कुल मैच कर रहा है, तो बिल्कुल इजी वे में हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है ऑप्शन डी से। और आप चाहते हो इसकी इक्वेशन बनाना, तो देखिए इक्वेशन कैसे बनती है, बहुत ईजी है, हम मानते हैं ये फादर है, ये टू सन्स है, हमने इनकी एज एक्स मान ली, सम ऑफ टू सन्स, सम ऑफ एज ऑफ टू सन्स एक्स, देन फादर की एज कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, 5 साल पहले ये हो जाएगा 2x माइनस 5, और दो सन दे रखे इसलिए यहाँ पर ये x माइनस 10 हो जाएगा, यदि 10 की हो जाएगा क्योंकि 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 ईयर एगो इसलिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 10, मान लो इधर 3 सन्स होते तो 15 कम हो जाता। अब ये कह रहे हैं जो 2x माइनस 5 है वो 5 साल पहले के जो एज थी सन्स की उसका थ्राइस है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 2x माइनस 5, 3x माइनस 30, 2x माइनस 3x आ जाएगा माइनस 30 प्लस 5, सो माइनस एक्स की वैल्यू आ जाती है अपने पास माइनस 25, एक्स की वैल्यू 25 आ जाती है, हमें वैल्यू कितनी चाहिए 2x, देन 2 इंटू 25 हमारे पास प्रेजेंट एज आ जाती है 50, और यही हमारे इस ऑप्शन को ऑप्शन डी को क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो आपने बिल्कुल इजी वे में इस क्वेश्चन को समझ लिया है, हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को इतना इजी बनाते हैं कि आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ए नंबर बिटवीन 10 एंड 100 इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट,
टेन टू हंड्रेड के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो टू डिजिट के होंगे, ठीक है। अब देखो ये कह रहे हैं इसका डिजिट का सम निकालते हैं, ये आया 5 + 4 9 आ जाएगा, ये आएगा 5 + 3 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 + 5 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 + 5 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ओके। ये कह रहा है द नंबर बिटवीन 10 and 100 इट्स 5 times द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो सम ऑफ इट्स डिजिट के अकॉर्डिंग हमने इसके डिजिट का क्या कर दिया, सम कर दिया। अब इसका हम 5 times करते हैं, क्या करते हैं 5 times। देखो 9 का 5 times जब मैं करता हूँ तो 45 आता है, 54 नहीं आता, ये ऑप्शन नहीं होगा। और 8 का मैं 5 times करता हूँ, देख द नंबर बिटवीन 10 and 100 इट्स 5 times। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 times द सम ऑफ इट्स डिजिट, 8 का जब हम 5 times करते हैं तो हमारे सामने आता है 40, ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। लेकिन 9 का जब हम 5 times करते हैं तो हमारे पास 45 आता है जो इससे मैच करता है, इसका मतलब ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। हम आगे बढ़े भी नहीं, हमने आंसर को बिल्कुल सही निकाल लिया है। इसका समय है 10, 10 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है 50, 50 इज नॉट इक्वल टू 55। सो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आता है सी, ठीक है। अब आगे भी देख चेक कर लेते हैं, कह रहे हैं इफ 9 बी एडेड टू इट द डिजिट आर रिवर्स्ड फाइंड द नंबर। मतलब जब हम इसमें 9 ऐड करते हैं, 45 में जब मैं 9 ऐड करता हूँ तो 54 आ जाता है, तो इसका मतलब 45 54 में कन्वर्ट हो जाता है। 5 जो है वंस था वो टेंस की जगह जाता है, 4 जो टेंस था वो वंस की जगह जाता है, इसका मतलब जो इसकी डिजिट है वो जो है रिवर्स हो जाती है। ये कह रहे हैं ना डिजिट्स आर रिवर्स, इसका मतलब ऑप्शन सी जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आपको इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये इजी मेथड आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को बिल्कुल इजी मेथड से करते हैं। द वेजेस ऑफ 8 men, वेजेस ऑफ 8 men एंड 6 boys अमाउंट टू 33 rupees, ओके, ठीक है। अब सबसे पहले आपके पास जो ऑप्शन दे रखा ना, इसको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा फर्स्ट वैल्यू को, क्योंकि पहले मैन दे रखा है फिर बॉय दे रखा है, और इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको मैं 8 से और इसको 6 से, और इसको मैं 8 से और इसको 6 से, जिस ऑप्शन का आंसर फिर प्लस करूँगा 33 आ जाएगा, वही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो जब 15 + 120 ये आ जाता है 12 + 18 not 33, 30 आ जाता है, ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ठीक है। इधर देखें 8 + 24 24 और 1.5 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 आ जाएगा और ये आ जाता है 33, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। एक बार चेकआउट करते हैं बाकी ऑप्शन में 33 आ रहा है या नहीं आ रहा है, यदि आ रहा है तो हम सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे, ये आ जाता है 20 + 12 ये 32 आता है, ये भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, बिकॉज हमें टोटल अमाउंट कितना चाहिए 33 चाहिए, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, बी ऑप्शन सही आ रहा है। इसको देखें 8 × 16 8 × 16 और 25 का 150 ये आ जाता है 31, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो फर्स्ट कंडीशन केवल ऑप्शन बी को सेटिस्फाइड करती है, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है ना। आगे भी देख लेते हैं, यदि आप सेकंड ऑप्शन को भी फाइंड करना चाहो, ये कह रहा है 4 men, अब देखो फर्स्ट मैन के लिए तो 4 men का जो अर्निंग हो जाएगा 3 × 4 कितना हो जाएगा, 4 men का अर्निंग जो है आपके पास 12 rupees हो जाएगा, और 5 boys का जो अर्निंग है वो देखें आप बॉयज़ के लिए ये 7.5 rupees हो जाएगा। अब 12 और 7.5 का डिफरेंस 7.50 का डिफरेंस आ जाता है 4.50 rupees, इसको मतलब 4.5 rupees जो है ये जो है डिफरेंस आ जाता है। और ये कह रहा है इफ़ 4 men अर्न 4.5 rupees मोर देन 5 boys, इसका मतलब ये जो 4 men है ये 5 boys से 4.5 rupees ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन फुल होती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी इजी मेथड बताई है, यदि आपने कंसेप्ट को अच्छे से समझा होगा तो आप इजी मेथड को फॉलो करते हुए आसानी से क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो। कुछ क्वेश्चन में मैंने डिटेल भी बताया, कंसेप्ट यदि आप समझना चाहो तो आप डिटेल में भी
क्वेश्चन को समझ सकते हो, बट आपको एग्जाम में शॉर्ट मेथड ही यूज में लेना है ताकि आपका जो है टाइम बचे। तो सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, लगातार मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जो है चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।